नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। दिल्ली में महामारी से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जिसकी आंच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचती नजर आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल के अंदर महामारी जैसे लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। आज उनका महामारी टेस्ट होगा। अरविंद केजरीवाल की तबीयत रविवार शाम से गड़बड़ है, उन्होंने खांसी और बुखार की शिकायत है, जिसके बाद आज सीएम केजरीवाल का टेस्ट किया गया। दिल्ली में महामारी ने रफ्तार तेज कर दी है। करीब 30,000 मरीज अब तक राजधानी में संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 800 के पार जा पहुंचा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने दावा किया कि अगले 15 दिनों में बेड की संख्या डबल कर दी जाएगी। दिल्ली में सोमवार को 1,000 से अधिक नए मामले सामने आए और 17 लोगों की मौत हो गई थी। अब कुल मरीजों का आंकड़ा 30,000 के करीब पहुंच गया है, जिसमें 874 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उपराज्यपाल के फैसलों पर आम आदमी पार्टी बिफर पड़ी है और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है और बीजेपी की राज्य सरकार ने पीपीई किट घोटालों और वेंटिलेटर घोटालों में व्यस्त है और दिल्ली सरकार सोच समझकर ईमानदारी से इस डिजास्टर को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। यह बीजेपी भी इसे देखा नहीं जा रहा, इसलिए एलजी पर दबाव डालकर घटिया राजनीति की है। लद्दाख सरहद पर चीन से विवाद जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद सत्र बुलाकर भारतीय सीमा में चीनी सेना के घुसपैठ पर चर्चा कराने की मांग की है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन सीमा का मसला शायराना अंदाज में उठाया था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भारतीय सीमा में चीनी सेना के घुसपैठ के मसले पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तथ्य की पुष्टि की है और कहा है कि हमें पता है कि पीएम नरेंद्र मोदी पंडित नेहरू नहीं है, लेकिन यह मामला काफी महत्वपूर्ण है और इसकी चर्चा संसद में होनी चाहिए। पूरी दुनिया वायरस की महामारी से जूझ रही है। अमेरिका जैसी महाशक्ति भी बेकाबू होते जा रहे हालात को संभाल नहीं पा रही। इस बीच न्यूजीलैंड से एक अच्छी खबर आई है। न्यूजीलैंड महामारी मुक्त देश बन गया है। न्यूजीलैंड के एक अस्पताल में भर्ती महामारी के अंतिम मरीज को भी उपचार के बाद स्वस्थ होने पर घर भेज दिया गया है। पिछले 17 दिन से देश में कोई नया केस नहीं आया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब देश में मरीजों की संख्या शून्य हो गई है। राज्यसभा चुनाव के कारण गुजरात से लेकर राजस्थान तक हलचल तेज हो गई है। खबर है कि गुजरात कांग्रेस ने अपने विधायकों को सिरोही के एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है और इस बाबत बीजेपी नेता नारायण पुरोहित ने कहा है कि वे इसकी शिकायत करेंगे और दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों के लिए 19 जून को वोटिंग होने वाली है। इससे पहले कांग्रेस के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 65 हो गई है। ऐसे में उनके सामने 2 सीट जीतने की चुनौती है। विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। नेपाल कालापानी लिपुलेख और लिम्पिया धुरा पर अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। नेपाल संसद में नेपाल के नए नक्शे को मान्यता देने के लिए संविधान संशोधन को पास कर सकता है। नेपाल के नए नक्शे में भारत के 3 क्षेत्र कालापानी लिपुलेख और लिम्पिया धुरा को शामिल किया गया है, जिन पर वह अपना दावा पेश करता है। नेपाल के कानून मंत्री शिव माया ने 31 मई को संसद में ये बिल पेश किया था। महामारी की चपेट में आकर सबसे अधिक महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में लोग जान गंवा रहे हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे के अंदर 2,553 नए मामले सामने आए और 109 लोगों की मौत हो गई। अब अकेले महाराष्ट्र में महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 3,169 को पार कर गया है। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या 88,528 है, जिसमें 40,975 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब 44,374 एक्टिव केस हैं। मुंबई शहर महामारी से सबसे अधिक प्रभावित है। यहाँ कुल मरीजों का आंकड़ा 50,000 को पार कर गया है और अब तक 1,702 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के अंदर 1,311 नए मामले सामने आए और 64 लोगों की मौत हुई। मुंबई में अभी भी 26,345 एक्टिव केस हैं, जबकि 22,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। गुजरात में कुल मरीजों का आंकड़ा 20,000 को पार कर गया है। अब तक 1,249 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 480 नए मामले सामने आए और 30 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा में वायरस का जबरदस्त कहर लगातार जारी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में महामारी से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा 5,000 के करीब पहुंच गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सोमवार को 406 नए मामले सामने आए, जिसके साथ ही प्रदेश में महामारी के मामले 5,000 तक पहुंच चुके हैं। प्रदेश में अब तक 39 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश में लॉकडाउन में मिलने वाली छूट के साथ ही संक्रमित मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। नए मामले हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में महामारी के 9,987 नए मामले देश में सामने आए हैं, जबकि 331 मरीजों की मौत हो चुकी है। नए मामले सामने आने के साथ ही देश में महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,66,598 हो गई है। देश में अब 1,29,917 एक्टिव केस हैं। महामारी से अब तक 7,466 मरीजों की मौत हो गई है और 1,29,215 लोग ठीक हो चुके हैं।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। लश्कर ए तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकियों ने शाम 6 बजे अनंतनाग जिले के लड़कीपुरा इलाके के सरपंच और कांग्रेस के सदस्य अजय पंडित की उनके गाँव में हत्या कर दी। उन्होंने कहा की पंडित को अस्पताल पहुँचाया गया जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दिया, साथ ही इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरपंच की हत्या पर अपनी संवेदना जाहिर की है। बंगाल की खाड़ी में हो रही हलचल ने तटीय इलाकों में रहने वालों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके कारण कई राज्यों में बारिश हो सकती है। विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर के ऊपर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और आंध्र प्रदेश तट से लगे क्षेत्रों और उनके पास के क्षेत्रों में मंगलवार को तेज हवाएं चलने की संभावना है। खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में नहीं उतरने की सलाह दी है। इराक में अमेरिकी सेना का एक विमान क्रैश हो गया है। राजधानी बगदाद से उत्तर में स्थित इराकी सैन्य अड्डे पर यह हादसा हुआ है। हालांकि इस विमान हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिकी नेतृत्व वाले संगठन के बयान ने जारी करते हुए इस हादसे की जानकारी दी है। सेना की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 4 सैनिक घायल हो गए हैं। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे की जाँच जारी है। वायरस संकट ने दुनिया के तौर तरीके पूरी तरह से बदल दिए हैं। हर साल सितंबर के महीने में होने वाली संयुक्त राष्ट्र के महासभा का इस बार होना मुश्किल दिखाई पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कहना है कि इस साल दुनिया के नेताओं का महासभा के लिए आना नामुमकिन है, जो कि 75 साल में पहली बार होगा। संयुक्त राष्ट्र के तिजानी मोहम्मद ने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि 193 देशों के नेता अपने संबोधन यूएन को जरूर देंगे, लेकिन इस बार उनका न्यूयॉर्क आकर महासभा में हिस्सा लेना मुश्किल लग रहा है। जमीन विवाद में झगड़े की सूचना के बाद पहुंची पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने पंजाब के मोगा में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इससे एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई, एक एएसआई और हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि फायरिंग करने वाला व्यक्ति मौके से भाग गया, लेकिन बाद में वह जिस गाड़ी में भागा था उसकी एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद वह अस्पताल पहुंचा जहां पुलिस ने दोषी की घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। चंडीगढ़ में आज मंगलवार को सीआईएसएफ के जवान का 4 साल का बेटा पॉजिटिव पाया गया है। अब तक शहर में कुल 321 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि वायरस के संक्रमण का खतरा कम होता दिखाई दे रहा है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शहर में अब महामारी के सिर्फ 30 एक्टिव केस मरीज हैं। इन लोगों को ही जल्द से जल्द ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया जाएगा और सोमवार को बापूधाम कॉलोनी के 11 पॉजिटिव मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियों में जोर शोर से जुटती नजर आ रही है। आने वाले दिनों में दो बेहद अहम राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल के लिए वर्चुअल रैली करेंगे। इससे पहले उन्होंने शनिवार को बिहार के लिए रैली की थी। महामारी काल में जनता से संपर्क साधने के लिए बीजेपी ने वर्चुअल रैली का नया तरीका तलाशा है। इसी के तहत आज अमित शाह ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साध सकते हैं। ब्राजील, भारत, रूस, पेरू, सऊदी अरब और पाकिस्तान संक्रमण के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। सोमवार को भी दुनिया भर में संक्रमण के 1 लाख से भी ज्यादा नए केस सामने आए और कुल मामले बढ़कर अब 71,89,800 से भी ज्यादा हो गए हैं। बीते 24 घंटों में संक्रमण से 3,100 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 4,08,000 से भी ज्यादा हो गया है। दुनिया भर में अभी भी संक्रमण के 32,50,801 केस हैं। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।